दिल्ली में यमुना की हालत बहुत ही बदहाल हो गई है। पानी भी काला दिखाई देने लगा है और यहाँ पर श्रद्धालु आस्था के चलते वार त्यौहार जरूर आते हैं, लेकिन वह भी यहाँ से गंदगी होने की वजह से केवल खाना पूर्ति कर वापस चले जाते हैं। यमुना की सफाई के नाम पर हर साल मोटा का बजट खर्च किया जाता है, उसके बावजूद भी यमुना की हालत बहुत ही बदहाल नजर आ रही है। यह नजारा है वजीराबाद स्थित यमुना रामघाट का, जहाँ पर यमुना का पानी बिल्कुल काला, बदबूदार और गंदा नजर आ रहा है। यमुना के इस प्राचीन घाट पर लोची अवस्था के चलते आते हैं, यहाँ पर गंदी बदबू आती है। रामघाट पर लोगों की आस्था होने के चलते स्थानीय दुकानदारों को खुद ही यहाँ पर सफाई करनी पड़ती है, ताकि किसी तरह इनकी आजीविका चलती रहे। लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से एक बार भी यमुना की सफाई नहीं हुई है। मैं आपका मेरा लाला लाला जी, कितने समय से आप यमुना घाट पर काम कर रहे हैं और क्या सफाई लगातार होती है यहाँ पर? रहते हुए तो कम से कम 10-15 साल हो गई है जी, और सफाई तो जब से मैं देख रहा हूँ मुश्किल से। एक बार मशीन आई थी, वो मशीन नमामि गंगे की, तो वो भी थोड़ा बहुत सफाई करके वो भी चली गई, उसने भी पूरा नहीं करा। अच्छा, और वैसे तो होती नहीं है। सरकार तो दावा कर रही है कि हम यमुना को साफ कर रहे हैं, प्रोजेक्ट चला रहे हैं, क्या सफाई लगातार होती है यहाँ पर? हाँ जी, प्रोजेक्ट भी तो आया ही नहीं, तो प्रोजेक्ट कहाँ से होगा यहाँ पर? ये कहते हैं कि नक्शे में नहीं है रामगढ़। अच्छा, यहाँ पर आते ही नहीं है? गंगा का भी सफाई नहीं है और अंदर भी सफाई नहीं। जमुना का किनारा है ये, सफाई के लिए कोई भी नहीं आता यहाँ पर? सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से वो आते हैं यहाँ, देखते हैं और साफ जो होता है उसकी फोटो ले आते हैं और फिर हो गया बस। अच्छा, जब सरकार की तरफ से नहीं सफाई हो रही तो आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं? हम तो खुद करते हैं। अच्छा, घास नाव से लाते हैं निकाल कर और बाहर निकालते हैं खुद, लेबर भी लगती है हमारे साथ और हम भी लगते हैं। अच्छा, आप लोग खुद करते हैं फिर? सरकार से क्या कहना चाहेंगे जब वो इस तरीके के दावे कर रहे हैं कि हम यमुना को साफ करने के लिए एक प्लान चला रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? बाबू जी, इसमें सरकार से क्या कहने वाली बात है, ये तो आस्था का केंद्र है, इसमें तो आप भी कोई भी लग सकता है, इसमें तो सबके लिए है। यमुना जी मेरे एक के लिए है, सबके लिए सब कर सकते हैं इसको। सरकार की तो बहुत बड़ी भागीदारी बनती है, हर साल प्रोजेक्ट आता है, लेकिन हमारे यमुना जी में तो कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, प्रोजेक्ट आता है लेकिन काम नहीं होता है? ठीक, क्या नाम है आपका? सुरेश जी, दुकान चलाते हैं अब रामघाट पर, यमुना कितनी जो है गंदी हो चुकी है, सफाई का भी काम होता है? नहीं होता, नहीं होता भी। जी, तो फिर किस तरीके से करते हैं? भाई, हम पानी में घुस के जब करते हैं। अच्छा, आप लोग खुद ही करते हैं? खुद ही करते हैं। अच्छा, अच्छा कितना समय हो गया जो सफाई नहीं सरकार? 20-25 साल हो गए। अच्छा, सरकार तो दावा करती है हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं, यमुना को साफ कर रहे हैं, कोई नहीं करता। अच्छा अच्छा कितने समय से अभी जो है, अभी हाल फिलहाल कितने समय से यहाँ यमुना की जो बड़ी बड़ी घासें अब हो गई हैं, सफाई नहीं हुई है? 10 साल हो गए। 10 साल से कुछ भी नहीं हुआ? दिल्ली सरकार तो कह रही है कि हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं, कुछ नहीं करते। एक बारी लगी थी मशीन, वो भी एक इतना हमें अकेले निकाल देते हैं, वो निकालते नहीं है। मशीन लगी थी सफाई के लिए, तो फिर क्या हुआ फिर मशीन लगने के बाद? दोबारा सा कूड़ा निकाला था बस। अच्छा, और सब ऐसी दिखा दी थी कागजों में। अच्छा, आप जो श्रद्धालु आते हैं फिर किस तरीके से आप लोग करते हैं? हम तो अपना आप ही करते हैं, खुद ही साफ करते हैं, अपना साफ करते हैं। तो यमुना में घुस के फिर ये जो लंबी घास है इनको कटाते हैं, वो भी निकालते हैं। सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? बस सरकार को नहीं कह सकते, यमुना की माई को सफा कर दो। सफाई होगी तो फिर कितना आप लोगों को फायदा मिलेगा? उनको भी फायदा होगा, सबको भी फायदा होगा। ठीक।